दुआ तो तेरे लिए भी करनी है। आओ सब मिलकर हाथ उठाओ, आज बड़ी दुआ हो। उम्मीद की एक किरण थी जो बुझ गई। अरे हमरे इंतजार में डॉक्टर साहब का ऐसे हो गए, बहुत कमजोर हो गए डॉक्टर साहब। रवि भाई यहाँ हूँ। अच्छा छुपन छुपैया खेल रहे हो डॉक्टर साहब। कौन है, कौन है तू? कौन? वो मुझे पकड़ लेंगे। कौन पकड़ लेंगे? पुलिस, पुलिस। मैं छुपा लो गई। हमने आपको वार्ड बॉय के लिए सेलेक्ट कर लिया है। कहना कि हम जानते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, संडे ब्रंच में शब्बीर राना हाजिर। खवातीन हज़रात, आज कुछ बातें होंगी अपनी फनकाराना ज़िंदगी के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अरसे से टीवी, रेडियो, थिएटर कर रहा हूँ। मैंने ये प्रोफेशन जो है, ये नहीं कहूँगा मैंने हादसाती तौर पर ज्वाइन किया, बल्कि मैं शुरू ही से बड़ा शौकीन रहा। इब्तिदा होती है 1956 में रेडियो पाकिस्तान से नशर होने वाले बच्चों के प्रोग्राम बच्चों की दुनिया से। 1956 की बात कर रहा हूँ, जब मैं बहुत छोटा सा हुआ करता था। वहाँ से इब्तिदा की क्योंकि मैं स्कूल छोटा था, तो स्कूल के जो प्रोग्राम्स होते थे उसमें वो हमारी क्लास टीचर वगैरह मुझसे गवाती थी, डांस भी कराती थी, छोटा था। तो मुझे वो स्कूल के लड़के ले गए रेडियो, और तो उस वक्त ज़फ़र सिद्दीकी मरहूम बच्चों की दुनिया के प्रोग्राम के इंचार्ज हुआ करते थे, और भाईजान थे अब्दुल माजिद मरहूम। बहरहाल वहाँ पर ज्वाइन कर लिया, मतलब मैं बच्चों के प्रोग्राम में मुस्तकल जाता रहा। चूँकि गाता था मैं, तो वो बच्चों के ड्रामे और गाने सभी चीज़ में हिस्सा लेता रहा। उसके बाद 1958-59 में मैंने पहली फीचर फिल्म करी, और भी गम है, जिसमें मैंने चाइल्ड स्टार का रोल किया था। फिर उसी ज़माने में कमर्शियल बना करते थे 35mm पर, ये सिनेमा के लिए, तो चाइल्ड स्टार की ज़रूरत पड़ती रहती थी, तो वो कमर्शियल फिल्में मैंने की। बहरहाल इस तरह मैं मुंसलिक हो गया। फिर एक आध जगह थिएटर में बच्चे के कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ी, तो बहरहाल मैं बुलवा लिया गया। फिर वक्त बढ़ता गया, चलता रहा। 1962 और 63 में शायद मैं 7वीं 8वीं जमात में था। मेरे एक दोस्त ने कहा कि भाई वो उर्दू कॉलेज वाले को किसी आर्टिस्ट की ज़रूरत है, तो तुम चले चलो। मैं कहा भाई मैं तो कॉलेज में नहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं भाई तुम चलो तो सही, ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा कि भाई चूँकि हमारे कॉलेज में लड़की के काम करने की इजाज़त नहीं है, तो इस ड्रामे में हीरोइन का रोल है, एक मिजाहिया कुछ खाके टाइप का ड्रामा था जिसे लिखा था अथर शाह खान ने, वो ख़ुद भी उसमें पार्ट कर रहे थे। बहरहाल मैं कहा ठीक है, तो वो मैंने वो लड़की वाला कैरेक्टर कराची स्टेज पर, यानी वो कॉलेज के स्टेज पर पहली बार, क्योंकि लड़कियों को उस जमाने में इजाज़त नहीं थी, वो मैंने किया, काफ़ी सराहा गया। तो फिर वो एक रस्म बन गई कि भाई लड़की का कैरेक्टर शब्बीर राना को बुलाओ। क्रिएटिविटी जो है वो है मुझ में, मतलब है, दिमाग मेरा क्रिएटिव है, हर चीज़ में क्रिएशन चाहता हूँ। तो मुझसे सवाल पूछा गया कि आप डायरेक्शन की जानिब क्यों नहीं आते? बहरहाल मैं लिखता तो हूँ, स्क्रिप्ट लिखे हैं, फिर नज़्म और गज़ल और इस असनाफ पर भी मैं हूँ, लिखता रहता हूँ। लेकिन यहाँ बात हो रही डायरेक्शन की, तो बिल्कुल मैं कभी मुझे मौका मिला तो मैं डायरेक्शन दूँगा। कोशिश तो ये करूँगा कि मुझे किसी अच्छे राइटर का स्क्रिप्ट मिले। जो भी आर्टिस्ट होता है उसमें क्रिएटिविटी होती है, एक सलाहियत है, एक क्रिएशन करने का एक मादा उसके
दिमाग में, जहन में, दिल में रहता है, कुछ ना कुछ करना चाहता है। राजन, मैं भी बेसिकली क्रिएटिव बनता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कुछ नया हो। जैसे कि पूछा गया कि डायरेक्शन, तो बिल्कुल मैं, मेरा तजुर्बा है, डायरेक्शन के रूमूज को मैं समझता हूँ और प्रैक्टिकली मैं देखता रहता हूँ, हर चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ, तो मैं बिल्कुल दूंगा और इंशाल्लाह मैं काम कर रहा हूँ एक आध स्क्रिप्ट पर। ज़रा मुझे यहाँ इस शोबे से, अदाकारी के शोबे से फुर्सत मिल जाए तो मैं यकीनन अपना प्ले करूँगा अपनी डायरेक्शन के साथ, और इंशाल्लाह आप भी देखेंगे। फिल्म के बारे में पूछा गया कि मैं फिल्म के बारे में क्या राय रखता हूँ। भाई, हमारी इंडस्ट्री जो 5-10 साल 10-12-15 साल पहले थी, वो अब नहीं है। अब वो मयार नहीं रहा फिल्मों का। हाँ, पहले बहुत अच्छी फिल्में बनती थी। अच्छा, ये कि मैंने काम कम क्यों किया, अच्छा मसला सारा ये है कि इंडस्ट्री लाहौर में है। अच्छा, मैं चूँकि कराची में रहा हूँ तो लाहौर से मुझे ऑफर्स थी, लेकिन चूँकि यहाँ काम के सिलसिले में फंसा हुआ था और घर बार यहाँ था, तो मैंने जाना मुनासिब नहीं समझा। हाँ, अब अगर मुझे कहीं से ऑफर आती है किसी अच्छी फिल्म से और अच्छे कैरेक्टर की, और इस मायार की फिल्में नहीं, जो ये जो गुज्जर टाइप में आया, मसलन मेरा वो पेशन नहीं है, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर काम करूँगा। क्योंकि ये भी एक फिल्म भी एक मीडियम है। यकीनन एक आर्टिस्ट के लिए किसी फिल्म में काम करना एक बहुत बड़ा एहसास होता है। और अब तो माशाल्लाह से हमारे आर्टिस्ट इतने, हमारे आर्टिस्टों की काफ़ी कदर है, वर्थ है, कि पड़ोसी मुल्क में भी जाकर काम कर रहे हैं। तो मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन अच्छी फिल्म होगी मैं इंशाल्लाह ज़रूर काम करूँगा। जब से प्राइड प्रोडक्शन की ये एक लहर आई है, तो हम तमाम इससे जो मुंसलिक लोग हैं इसमें बह रहे हैं, मुस्तफीद हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खासा काम है। मैं इस वक्त जो लॉन्ग प्लेज और टेलीफिल्म तो कर ही रहा हूँ, तो इक्का दुक्का आती रहती हैं, तो फुर्सत मिलती है कर लेता हूँ। सीरियल भी कर रहा हूँ और सीरीज भी कर रहा हूँ जिसमें सिटकॉम्स भी हैं, तो काम में कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और व्यूअर्स देखेंगे मुख्तलिफ चैनल्स पर मेरे, कुछ तो चल रहे हैं और कुछ अब आने फोर्थ कमिंग प्रोडक्शंस हैं, इंशाल्लाह देखेंगे और पसंद करेंगे। हमारी जो इस मीडियम में टीवी की जो वो है मीडिया है, खासे डायरेक्टर्स हैं जिसमें फिल्म से जो मुंसलिक थे वो भी यहीं पर आ गए हैं। जैसे मैं नाम दूंगा जावेद फाजिल, तो अच्छे डायरेक्टर हैं, मैं उनके साथ खासा काम कर रहा हूँ। आरिफ खान हैं, इसके अलावा नए लड़के भी आ गए हैं, बहुत सारे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अभी नए बच्चे जो आए हैं माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, अगर थोड़े से वो कमज़ोर भी हैं तो कोई मज़ाक़ा नहीं, वो लाजमत के वो आहिस्ता आहिस्ता पक्के हो जाएंगे इंशाल्लाह, अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरी तो ये दुआ है कि जो भी बच्चे हैं जो काम करने की सलाहियत रखते हैं, बिल्कुल आए, उन्हें काम करना चाहिए। भाई लाजमत है, जब पुराने चले जाते हैं तो फिर लामवाला नए उनकी जगह ले लेते हैं। लिखने का शौक़ मुझे बचपन ही से रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक मजमू कलाम मेरा छपवा दूँ मैं भी, बहुत से लोग आ गए हैं, मतलब ये अपनी अना की तस्कीन के लिए। आपने अशार के बारे में कहा, तो मैं सिर्फ एक शेर सुनाऊँगा, अभी तो पता नहीं, अगर सुनाऊँ तो कई घंटे चाहिए। मेरा एक शेर है, सलीब अपनी उठा के मैं खुद ही घूमता हूँ, सलीब अपनी उठा के
मैं खुद ही घूमता हूँ, मैं अपने शहर की गलियों में खुद को ढूंढता हूँ। बहरहाल अंदाज है, इसी फिक्र के साथ लिखता हूँ। इंशाल्लाह जब मेरा मजमू कलाम शाया होगा तो ज़रूर पढ़िएगा। स्टार मेरा क्यूरियस है, क्यूरियस लोगों के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत क्या कहना चाहिए कि हमदर्द और बहुत ही ठंडे जहन के मिजाज के लोग होते हैं। मेरा पैगाम देखने वालों के लिए ये है, मोहब्बत कीजिए, दोस्ती कीजिए, लेकिन नफरतों के साथ नहीं। कोशिश कीजिए कि अपनों से कम दर्जों के लोगों की इज्जत की जाए, उन्हें मोहब्बत दी जाए। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।